एमबीसी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधी चौक में शनिवार को श्री क्षत्रिय युवक संघ द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संघ के प्रमुख भगवान सिंह रोल साहब सर ने उपस्थित छात्रों को संबोधित करते हुए श्रीमद् भागवत गीता के बारे में बताते हुए मानव सेवा सर्वोपरि बताया। वहीं कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों को 1500 श्रीमद् भागवत पुस्तकों का वितरण किया गया। सरहदी बाड़मेर में शनिवार को हर घर गीता अभियान के तहत श्रीमद् भागवत गीता का वितरण किया गया। क्षत्रिय युवक संघ के भगवान सिंह रोहल साहब की अगुवाई में सामाजिक दूरी की पालना करते हुए श्री मुल्तान मल भीखचंद झाजेड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में विद्यार्थियों को गीता का वितरण किया गया। साथ ही लोगों से धर्म के रास्ते चलकर मानव सेवा करने की अपील की गई। इस मौके पर हर घर गीता अभियान के भगवान सिंह रोहल साहब ने बताया कि जिले के हर विद्यालय का विद्यार्थी गीता से और गीता के ज्ञान से रूबरू हो सके, इसके लिए विद्यालय को 1500 गीता वितरित की गई है। साथ ही सनातन धर्म को मानने वालों के घरों तक श्रीमद् भागवत गीता का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। भगवान सिंह जी रोहल साहब सर क्षत्रिय संघ के संघ प्रमुख हैं। आज उनका एकदम अकस्मात कार्यक्रम बना और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं विद्यालय के सभी बच्चों को है वो गीता देना चाहता हूँ, तो उनका उद्बोधन भी हुआ और है वो अभी गीता भी उनको वितरित की गई। वो 1500 गीता हमारे विद्यालय को बच्चों के लिए भेंट करेंगे, जो सीधा है वो हम बच्चों को दे देंगे। 1000 गीते बच्चों को दे देंगे जो 9th, 10th, 11th और 12th में पढ़ते हैं, और 500 गीता जो हमारी ये राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता हो रही है इसमें जो पधारेंगे, दलाधिपति है, दल नायक है, निर्णायक है, कोच है या जो अतिथि है उनको भेंट करेंगे। विद्यालय प्रबंधन कमल सिंह रानीगांव को 1000 गीता आगामी राज्य स्तरीय एथलेटिक प्रतियोगिता में राज्य भर से आने वाले खिलाड़ियों, उनके शिक्षकों और कोच को देने के लिए दी गई। श्री मुल्तान मल भीखचंद झाजेड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में आयोजित गीता वितरण कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य कमल सिंह रानीगांव, विद्यालय के शिक्षक मुकेश व्यास समेत इस अवसर पर कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।